अल्टीमेटली चीज़ें ऐसी आती है कि भाई जली ने ये करा इसकी वजह से ये हो गया समझ लो मेरे को वो चीज़ें बस क्लियर करनी है

क्या अब लूँ ना लूँ लूँगा तो भाई हज़ार स्टोरी मेंशन आ जाएंगे पीछे दो बंदे में कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा भाई मेरे को एक बार एक्सप्लेन करो सच में यार देखो इस बात में दम तो है इस बात में दम तो है कि भरते तो बहुत ज़्यादा लोग यार ब्रो एक चीज़ है ऑडियंस और कास्टर्स जो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं कि ऐसा खेलना चाहिए वैसा खेलना चाहिए <laughs> मैं उन दो के वाले को बोलना चाहता हूं कि कभी खुद कस्टम खेला भी है खुद के पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है भाई कुछ कास्टर्स के पास एक्चुअली काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है जैसे कि फिक्सेस हो गया फिक्सेस ने खेला हुआ है फिक्सिस ने ऑफिशियल तो खेला हुआ है मैं एक प्लेयर रह चुका हूँ ठीक है मेजी भाई पहले खेल चुके हैं मेजी भाई वॉज अ प्लेयर तो अभी के जितने कास्टर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं ओशन वॉज अ प्लेयर मैं सच्ची कह रहा हूँ मैंने अपने दोस्त को दिखाई अपना ये जो कास्टिंग हो रही थी जिस जे, पॉइंट ऑफ कास्टर्स ने मेरे को पॉइंट आउट किया ना कि गलती थी मैं उस टाइम में मान रहा हूँ बहुत सारी जगह थी जहाँ पे कास्टर्स ने मेरे को सही सही उस पर बोला कि भाई यहाँ गलती है थी माना कि यहाँ भाई सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन कुछ जगह ऐसी थी, थी ना कि भाई जीरो फॉल्ट है सला फिर भी मेरे ऊपर ही मिले डाला जा रहा है भाई देखो यार थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो है चलिए यार होगा भाई क्योंकि इतना मेन्शन इतना भाई देखो यार जब एक बहुत बड़ा फैन बेस होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वो तो फैनवेज को खुश रखना भी इतना आसान नहीं होता है काशी उसका काम है गेम प्ले पे कमेंट करना अच्छा बुरा सब खराब लगा तो म्यूट करके देखो जहाँ तक रही ऑडियंस की बात बच्चों को बड़ा होना पड़ेगा ये तो है बच्चों को बड़ा होना पड़ेगा भाई जो मेजी भाई ने बोला उससे मज़ा आता है इंगेजमेंट इन व्यूअर्स मज़ा आता है इट्स फनी एंड हंसने में भी मज़ा आता है आई अंडरस्टैंड भाई लेकिन जेली का जो प्रस्पेक्ट वो थोड़ा अलग है कास्टर प्लेयर सब ठीक है पर फैंस को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए सी एस वैलो के कास्टिंग फिर देख लिया कर देख लिया रो बैठेंगे प्लेयर्स हाँ ये बात तो है कि सी एस की कास्टिंग देख के तो, तो रो बैठेंगे प्लेयर्स जब भाई बट वैसी कास्टिंग इंडिया में होती नहीं है भाई क्योंकि इंडिया में हम उतना क्रिटिसाइज करते ही नहीं है टीम्स को हमें भी डर है कि भाई फैन वेज बहुत ज्यादा मारेगा हमारे भी बट कास्टर्स को ऐसा डर होना नहीं चाहिए इसे फैक्ट इज दैट बट अब है तो है ब्रो जो बोल रहा था बोल रहे हैं कास्टर्स के बात का बुरा नहीं मानना चाहिए क्यों नहीं मानना चाहिए यार क्रिकेट फुटबॉल के जो कास्टर्स और क्रिटिक्स होते हैं तो क्या विराट कोहली मेसी रोनाल्डो रिएक्ट नहीं करते हैं कुछ भी करते हैं बट भाई <coughs> मतलब वो रुकते थोड़ी वो अपनी बात तो करते ही हैं